मैं तो फूल लेकर आने वाला था अस्पताल में, पर तुम मुझे ले गए वैसे ही जैसे वो तुम्हें गाड़ी के आगे से ले गए। तुम्हें तो उड़ा नहीं पाया मैं। उमर की हालत देखकर काफी तसल्ली मिलती। वैसे कैसी है मेरी पत्नी? तो आज आप पुरानी फाइल लेकर आए हैं जो रेड के आसपास पहना रहे हैं। कुमुद पुराना वो मटका जो बनाया था वो पेंट कर रहे हैं, सब पुरानी चीजें। देखिए जो प्यार है उसकी उसका रास्ता और उसकी मंजिल अब करीब आ रही है।
मतलब चीज़ें कुमुद और सरस्वती चंद्र के बीच में अब बेटर हो रही इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप, तो इसलिए नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और फासले दूर हो रहे हैं। आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं कि नज़दीकियाँ और बड़ी दूरियाँ कम हो रही हैं? देखिए, जितना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रमाद को जितना दूर रख सकूँ उतना कर रहा हूँ, तो अभी तो वही चल रहा है कि प्रमाद फिर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के चक्कर में, मगर साथ में उस इंसान की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उसके अंदर भी मगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं छोड़ रहा, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कुमुद की ज़िंदगी से जितना दूर रह सके उतना रहे, और मैं कुमुद के जितना करीब रह सकूँ और उसे जितना प्यार और सुख दे सकूँ वो करूँ, तो वही कर रहा हूँ। कुमुद सोच रही हैं कि खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन फिर आप कुछ परेशान हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं? प्रमाद का फ़ोन है, बात कर रहा हूँ, उसके बाद उसकी पिटाई करने जाऊँगा, तो काफ़ी चक्कर है लाइफ, लाइफ इज़ नॉट ईजी एज सरस्वती चंद्र इज़ नॉट ईजी। वैसा सरस्वती चंद्र के लिए पायल पहनाना भी शायद ईजी नहीं था, देख रहे थे हम जी, वो पायल का जो हुक है ना बड़ा ही चक्कर वाला है यार, बहुत कोशिश करता हूँ खुल जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है यार, पता नहीं। अरे जो कुमुद ने वो चीज़ें सारी पहले आपसे जुड़ी हुई सब हटा दी थी, बट एक वो मक्का जो आपने बनाया था वो रखा हुआ था, तो वो पेंट करें दोबारा से, तो आपको उनकी तरफ से क्या कैसा लगा? उनकी तरफ से भी लग रहा है कि नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि वो सारी पुरानी चीज़ें जो हम दोनों के मतलब प्यार की साक्षी थी वो वापस आ रही हैं, और उनकी यादें और वो खुद इन टर्म्स ऑफ मैं कह रहा हूँ मटका हुआ या पायल हुई वो सब यादें फिर से आ रही हैं, तो उनकी तरफ से भी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो आगे दर्शकों को फिर खूब सरस्वती और कुमुद का रोमांस देखने को मिले। आई होप देखने को मिले, क्योंकि चक्कर ये जब भी सरस्वती चंद्र खुश हुआ है उसके बाद धमाका हुआ है, उसके बाद वो बहुत रोया है, तो पता नहीं अभी थोड़ा खुशी का माहौल आ रहा है, आई होप खुशी बनी रहे, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप ऑडियंसेस पे और दर्शकों पे कि वो क्या देखना चाहते हैं, जो आप देखना चाहेंगे वो हम दिखाएंगे, और वो जो चची बैठी है वहाँ पे वो मुझे आवाज़ दे रही है क्योंकि शॉर्ट रेडियो है, वो चची है वहाँ, तो जाना पड़ेगा मुझे। आज सरस आपको पायल पहना रहे हैं, कोई नई पायल आई है क्या? नहीं नहीं, नई पायल नहीं है, ये पायल उनकी माँ की है, जो जब मेरी शादी हुई थी तब ये लेकर आए थे, और इनका फाइटिंग हुई थी जब मेरी शादी हो रही थी, वो पायल गिर गई थी और ये मुझ तक पहुँच गई थी, तो अभी ये पता नहीं कुछ मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन है, पायल का इनके पास चली गई थी, अब वापस मेरे पास आ गई, नहीं उन्हीं के पास है, मैं बोलती हूँ कि ये पायल मुझे दे दो क्योंकि इस पर मेरा हक है, तो वो बोलते हैं ठीक है फिर मैं पहना देता हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, बोलते हैं हाँ, मैं बोलती हूँ चल ठीक है, तो बेसिकली दैट। तो अब नहीं क्यों बोलती हैं आप, शर्मा क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि तो शर्माना भारतीय नारी हूँ मैं, शर्माना मेरा हक बनता है इसलिए। अच्छा, पुरानी चीज़ें सब हो रही हैं, पायल पुरानी पहनाई जा रही है जी, उनकी माँ की पायल है बहुत पुरानी, और पुरानी आप याद में वो मटका जो आपको कलर जी, कर जी, जी 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 जी, तो ये एक नई शुरुआत, कोशिश तो है नई शुरुआत की, पर पता नहीं कि कहाँ तक कामयाब होगी, क्योंकि मेरा अभी तक डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है, तो कोशिश तो है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, व्हाट्स द नेक्स्ट ट्विस्ट। तो कुमुद की क्या कोशिश है इस चीज़ को? मेरी ये कोशिश है कि सब खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, वो सब अपना अपना लाइफ जिए खुशी खुशी से, और दैट्स अबाउट इट। लेकिन खुशियाँ शायद पूरी तरह आ नहीं पा रही हैं, बीच में फ़ोन आता है कुछ? हाँ, वो मुझे पता नहीं अभी तक किसका फ़ोन है और क्या है, बट ये आई एम जस्ट सेंसिंग समथिंग इज रॉन्ग, सो दैट्स अबाउट इट। अच्छा, जैसे आप मटका वो कलर कर रही हैं, मेरे को जाना है फटाफट, तो आपने मतलब वैसे तो सारी चीज़ें उनसे जुड़ी तोड़ दी थी, तो वो ही क्यों बचा के रखा था? ये सवाल बहुत गलत है, क्योंकि मैंने वो भी तोड़ दिया था, बट हम सिनेमैटिक लिबर्टी ले रहे हैं।